करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स इज करेंटली एट 103.01। वेंसडे एफओएमसी रेट डिसीशंस के बाद डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करने का प्रयास किया था, ड्यू टू व्हिच वेंसडे का जो कैंडल फॉर्म हुआ था वो था एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। लेकिन कल के दिन में हमने क्या देखा, स्पेशली इन यूएस मार्केट डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा वीकनेस देखा गया फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 103.80 टू 103.02। यहाँ पे जो हमारा इंतजार था, क्या इंतजार था, डेली कैंडल पे चार्ट पे हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोज कैंडल मींस नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देना चाहिए था। एंड थर्सडे का जो कैंडल फॉर्म हुआ है ये वही दिया हुआ है। व्हाट नेक्स्ट, अभी देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आ जाए। वन एक्सेप्शन ये जो अभी कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं इसका कंटिन्यूटी चाहिए, यानी फ्राइडे के दिन वेदर इट इज इन एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में इस 103.06 के नीचे कंटिन्यूटी चाहिए, सस्टेनेंस चाहिए, देन एंड ओनली देन डॉलर इंडेक्स में अप्रोच डाउन टुवर्ड्स 102.00 से 102.10। मार्केट आज के दिन में इवनिंग एनएफपी डेटा के लिए इंतजार कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू जस्ट डिसाइड द फेट ऑफ डॉलर इंडेक्स। क्या डॉलर इंडेक्स इज मूविंग टुवर्ड्स 102 एंड सब्सिक्वेंटली टुवर्ड्स 101, उसके ऊपर पूरा का पूरा नजर है। डॉलर रुपी बेसिकली ये फिर नीचे के तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, मींस स्ट्रेंथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। करेंटली ट्रेडिंग एट 82.9495। कल के दिन में एक स्ट्रेंथ देखा गया जी, एंड आज देखना है जब हमारा इंडियन मार्केट 9 बजे खुलेगा, इनविजिबल हैंड्स अपना माइटी पावर दिखाते हैं या नहीं, उसके ऊपर देखते हैं। अदरवाइज ब्रॉडर रेंज में 82.80 से 83.00 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल, जहां पे इनविजिबल हैंड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट। क्या वो अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, यानी हमें देखना है। जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा बुलिश कैंडल देखा गया है विथ ए प्राइस रिजेक्शन एट ए लोअर एंड ऑफ 1.2625। यहाँ पे हमारा जो ब्रॉडर रेंज है ऑन द लोअर साइड 1.2600 एंड ऑन द हायर साइड 1.2850, इस रेंज में प्राइस कंसोलिडेट कर रहे थे, चौपी वॉलेटाइल बिहेव कर रहे थे। जब तक इस रेंज से बाहर प्राइस नहीं निकलते हैं, दिस टाइप ऑफ वॉलेटाइल चौपी बिहेवियर हमें दिखता रहेगा। एक बार अगर ब्रेकआउट करते हैं आइदर साइड में, देन एंड ओनली देन हमें एक मोमेंटम मिल सकते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे प्राइस जो है बहुत बढ़िया कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्या आज इवनिंग में एनएफपी डेटा के बाद जीबीपी डॉलर एक मोमेंटम देगा पॉसिबली ऑन द हायर साइड, ये हमें देखना है। प्राइस नैरो कंसोलिडेशन के बाद बहुत जबरदस्त मोमेंटम के साथ मूव करते हैं, सो हमें इंतजार रहेगा एनएफपी डेटा के। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली ऑन द हायर साइड 106.80 एंड ऑन द लोअर साइड आपका 104.70, इस रेंज के अंदर में चौपी बिहेवियर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी कंसोलिडेशन के बाद एक मोमेंटम का इंतजार है, देखना है क्या आज के एनएफपी डेटा के बाद वो मोमेंटम हमें जो चाहिए वो मिलते हैं या नहीं। मोमेंटम के लिए आप बोलोगे आशीष क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, यहाँ पे हमें इंतजार रहेगा एक मोमेंटम ब्रेकआउट का। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ साइड डायरेक्शंस।
मींस ऊपर की तरफ भी एंड नीचे की तरफ भी, बट फ्रॉम इनसाइड आई एम लुकिंग फॉर हायर ब्रेकआउट. क्या ये होता है, हमें देखना है. यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में भी कल एक अच्छा खासा अप मूव देखा गया. फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 1.0780 इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.0875. करेंटली इट इज एट 1.0877. आप अगर मेरा कोई एक यूरो डॉलर एंड यूरो आईएनआर ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप चेक करोगी, जस्ट 2 दिन पहले हमने रिलीज किया है, इट्स इन योर प्लेलिस्ट, तो वहां पे आप देखो कि आई एम वेटिंग फॉर ए सर्टेन फॉर्मेशंस. क्या फॉर्मेशंस? कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज देना है. तो ऑलरेडी ये क्लोज दिया हुआ है एंड देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये अप मूव करने के लिए तैयार है. यूरो डॉलर की स्पेसिफिकली यहाँ पे एक जो थर्सडे वाला कैंडल है, यानी 31st वेंसडे वाला कैंडल, जहां पे एक हाई बनाया है 1.08880, इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना चाहिए. Then there are higher possibilities. We may see euro dollar 1.0970 and 1.1120 in coming days. Aaj nahi, coming days mein higher possibilities hai ye dual period Bollinger Band setup. Similarly, euro INR mein bhi हमारा ये एक्सपेक्टेशन से अभी तक क्लोज नहीं दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर. ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दिया, ऑल्दो इट्स ए बुलिश कैंडल, लेकिन हमें इसके ऊपर चाहिए. सो 31st जनवरी का हाई, दैट मींस आपका 90.36, इसके हाई के ऊपर हमें 91.30 एज द फर्स्ट टारगेट. अगर इसको ऊपर की तरफ फर्दर ब्रेकआउट करते हैं तो 92.60 का एक्सपेक्टेशन से एज पर द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप. इन सच ए केस आवर स्टॉप लॉस विल बी द स्विंग लो, दैट इज योर 89.50 के नीचे हमारा स्टॉप लॉसेस रहेगा. डॉलर येन करेंटली ट्रेडिंग एट 146.35. यहां पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जिसके नीचे हमें स्ट्रॉन्ग क्लोज, नेगेटिव क्लोज चाहिए था. क्लोज दिया हुआ है लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है. क्यों? प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड ऑन बोथ द टू डेज, दैट मींस ऑन वेडनेसडे एज वेल एज ऑन थर्सडे प्राइस रिजेक्शंस. तो यहां पे लोअर लेवल पे बायर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट. व्हाट इट मींस? इट मींस जब तक ये जो डोमिनेंस, बायर का डोमिनेंस है, उसको स्ट्रांगली निगेट नहीं करेंगे, तब तक एक फ्री फॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा. That being the case, हमें इंतजार है NAP data का. क्या NAP data के बाद वो free fall हमें देखने को मिलेगा? Free fall के लिए जो हमारा दो target है, पहला target 144.8090 का and then 141. ये free fall का हमें इंतजार है, लेकिन प्राइस कॉन्फर्मेशन नहीं आ रहे हैं, हमें इंतजार करना पड़ेगा. अभी आते हैं येन आईएनआर में. काफी दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार है, इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न, जिसके कारण ये हम देख रहे थे 5660, यानी आपका ये 24 जनवरी के हाई के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए. कल के दिन में ऊपर सस्टेन किया था, कल के नहीं, 31st जनवरी के दिन में ऊपर गया था लेकिन क्लोज नीचे दे दिया कल. एंड कल के दिन यानी 1st फेब में भी जस्ट बॉर्डर लाइन स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें नहीं दिख रहे. हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए ताकि एक ब्लास्ट हो ऊपर की तरफ, एक मोमेंटम हो, जिसके कारण हम एक 0.5730 की तरफ फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं एंड सेकेंड टारगेट टुवर्ड्स 0.59. क्या ये होते हैं? इसका हमें प्राइस कॉन्फर्मेशन चाहिए. अभी डॉलर कैंडी आपका 1.3370. यहाँ पे ये जो हमें यहाँ पे एम पैटर्न के टारगेट के कारण 1.3250 का इंतजार है नीचे की तरफ, यानी
कैन बी अप्रिशिएट होने का हायर प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हम बेटिंग कर रहे हैं, यानी एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये जो 31st के कैंडल बनाया, थोड़ा सा मूड को डैम्पन करने का प्रयास किया। आज के दिन अगर इस 31st जनवरी के लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं, दैट मींस 1.3350 के नीचे सस्टेन कर पाते हैं, देन आने वाले दिनों में देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के हमें 1.3250 देखने को मिलने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। ऑसी डॉलर में भी ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड है सेटअप, हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, बट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डब्ल्यू पैटर्न का। डब्ल्यू पैटर्न के इस पैटर्न मिलेगा तो हमारा जो ऑसी डॉलर का टारगेट हो सकता है 0.6715 एज द फर्स्ट टारगेट, एंड आपका सेकेंड टारगेट हो सकता है 0.6850। इसके लिए प्राइस कॉन्फर्मेशन चाहिए। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, इस कंसोलिडेशन के बाद अगर जोन को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करते हैं, इन सच ए केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज, आई विल नॉट से इट विल मूव टुवर्ड्स, नो, क्योंकि मार्केट इज अल्टीमेटली सुप्रीम, वी कैन ओनली प्रपोज, वी कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स। सो दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के इस डायरेक्शन में जाने जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। अभी आते हैं सीएनएच 7.1825। यहाँ पे हमें जो इंतजार है, हमें ये एक सेटअप ढूंढ रहे थे जो हमें मिला नहीं है, सो इसको डिलीट कर देते। अभी 7.20 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, पहले एक फॉल्स ब्रेकआउट किया था जिसके कारण नीचे की तरफ हमने देखा, अभी हमें इंतजार है 7.20 के रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए। अगर वैसा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हैं बुलिश कैंडल के साथ ऊपर की तरफ, इन सच ए केस अगेन हम 7.25 एंड 7.29 का टारगेट कर सकते हैं। क्या ये होगा, हमें इंतजार है, क्योंकि अभी कॉन्फर्मेशन है नहीं। आप बोलोगे अरे आशीष, डॉलर तुम सॉफ्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, दैट बीइंग द केस सीएनएच स्ट्रॉन्ग होने का है, लेकिन यहाँ पे जो सीएनएच इज डीलिंग विद चाइनीज इकोनॉमी जिसका कंडीशंस बहुत ही खराब है। जो जब तक इकोनॉमी प्रोस्पर करने का इंडिकेशंस नहीं मिलते हैं, जो चाइनीज करेंसी सीएनएच मे नॉट स्ट्रेंथन, दैट इज द रीजन देयर इज ए डाइवर्ज ओपिनियन, डाइवर्ज व्यू। डॉलर इंडेक्स वीकनिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड डॉलर सीएनएच यानी सीएनएच के अगेंस्ट में डॉलर स्ट्रॉन्ग होने का एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था 8.4050 का, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 84.15, वहां पे सलाम ठुक के नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता, इन सच केस हमारा जो टारगेट होता 9350 का। यहाँ पे जब प्राइस 29th एंड 30th का एनालिसिस आप अगर देखोगे, वहां पे तो हमने ऊपर का प्रोजेक्शंस किया था, लेकिन एक एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? अगर दो एक दिन में फिर दोबारा इस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाते हैं, क्लोज देते हैं, इन सच केस ब्रेंट क्रूड फ्यूचर व्हिच इज करेंटली ट्रेडिंग एट 79.63 में टेस्ट 76.50। और अभी देयर आर बहुत बढ़िया चांसेस है, हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर इज हेडिंग टूवर्ड्स 76.50, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट, फॉल्स रेंज ब्रेकआउट का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। सो देखते हैं कि वो लेवल आते हैं आने वाले दिनों में या नहीं। अभी हमारा है यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यहाँ पे आप देखोगे एक एम पैटर्न का हम डिस्कस कर रहे थे, उसके लो के नीचे हमारा पहला टारगेट था 3.96 एंड सेकंड टारगेट था 3.8। दोनों टारगेट मैच हुआ। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए अभी हमें थोड़ा सा एनएमपी डेटा का, यहाँ पे प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा सपोर्ट एरिया, ये जो सपोर्ट एरिया, हमें एनएमपी डेटा का इंतजार करना है कि इस एनएमपी डेटा के बाद क्या इस लेवल को सपोर्ट करके कंसोलिडेट करेगा या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा, इसका हमें इंतजार है।
यूएस 2 ईयर ट्रेजरी, यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में हमारा ये कहना था कि प्राइस बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलना है, पॉसिबली ऑन द लोअर साइड, और वही लोअर साइड में आके एक डोजी कैंडल बनाया है डेली चार्ट पे। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट का आप देखोगे वही एनएपी डेटा के बाद क्या ये नीचे तरफ ब्रेक आउट ब्रेक डाउन करते हैं। इन सच ए केस हमें जो मेजर सपोर्ट लेवल है को कौन सा है, 3.80 से 3.90 का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, उस टेरिटरी में यूएस 2 ईयर ट्रेजरी जाने का एक्सपेक्टेशन। सो एनएफपी डेटा आज शाम का बहुत ही क्रुशियल है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।